हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एएनएम ट्यूटोरियल्स में। दोस्तों, मैं आज आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि अभी हमारी जो पोस्ट निकली हुई है एसीएस की, उसी से रिलेटेड हमारी क्लासेस चल रही हैं। ठीक है दोस्तों, तो इंट्रोडक्शन वीडियो भी आ चुका है और हम किस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे वो भी आपको आपके सामने आ चुका है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं सोर्सेस ऑफ एनर्जी एंड सोलर सेल, किससे रिलेटेड मैं आपके लिए कुछ ऑब्जेक्टिव्स लेकर आया हूँ। इसके बाद मैं सोलर आपका सेल की वीडियो लेके आऊंगा, कॉन्सेप्चुअल वीडियो। ठीक है दोस्तों, तो मैंने अभी एक इंट्रोडक्शन वीडियो अपलोड किया है, उसे आप देख लेंगे, है ना। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा और प्लेलिस्ट में भी उसका लिंक अवेलेबल है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा जो चैनल का नाम है वो है एएनएम ट्यूटोरियल्स। ठीक है दोस्तों, आपको पता ही होगा, जैसा कि आप अगर आप प्लेलिस्ट में सर्च करेंगे एएनएम ट्यूटोरियल्स करके तो आपको मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो देख लीजिएगा, हम जीके और जीएस से रिलेटेड वीडियो बनाते हैं। अगर आपको हमारे वीडियोज अच्छी लगे तो कृपया कर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। ठीक है, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया इंट्रोडक्शन, अब चलते हैं हम अपने आगे क्या हमें आज देख पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आज मैं क्वेश्चंस लेकर आया हूँ आपके सामने, 15 से 16 क्वेश्चन है दोस्तों। तो चलिए जल्दी जल्दी हम देख लेते हैं कि कौन से क्वेश्चन क्या है और मैं हिंदी में भी आपको समझाते जाऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं कि अ बॉडी ऑफ मास 1 kg इज अट्रैक्टेड बाय अर्थ। अच्छा, अर्थ के द्वारा कितना गुरुत्वाकर्षण फोर्स लगता है कोई बॉडी को अट्रैक्ट करने के लिए। यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण की बात नहीं की गई है, केवल फोर्स की बात करी गई है। ठीक है, केवल बल की बात करी गई है। तो बल क्या हो, तो बल ऑब्वियसली एक ही बल होगा, गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होता है, तो 9.8 न्यूटन होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2, विच इज द मोस्ट पॉपुलर किचन फ्यूल इन द इंडिया। इंडिया में सबसे ज्यादा पॉपुलर किचन फ्यूल कौन सा है, तो कौन सा किचन फ्यूल सबसे पॉपुलर है, तो कोल सबसे ज्यादा पॉपुलर है जो कि किचन फ्यूल है। जैसे एलपीजी, केरोसिन अगर नहीं भी मिले तो कोल हमारे लिए हर जगह अवेलेबल होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिसिटी इन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। पानी के जो बांध बने होते हैं वहां पे, जो पानी का जो बांध पे जो परियोजना चलती है, उस परियोजना के तहत वहां पे जो पानी से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, बिजली उत्पादन करते हैं, वो किस विधि से किया जाता है, कौन सी विधि, तो बॉइलिंग वाटर की विधि से किया जाता है। कि आयोनाइजेशन मतलब वो होता है, जैसे कि एक ये पॉजिटिव चार्ज है और एक ये नेगेटिव चार्ज है, इन दोनों के बीच में जब रिएक्शन होता है और उसके बाद जो चीजें हमें एज अ प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं आयोनाइजेशन की प्रोसेस। ठीक है दोस्तों, तो ये जो पूरी प्रोसेस है इसे बोला जाता है आयोनाइजेशन की प्रोसेस, और इसी के थ्रू हम जो पानी विद्युत परियोजना जो होती है इसी के थ्रू, इसी प्रिंसिपल पे वर्क करती है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4th पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑड। ठीक है, ऑड मतलब कौन सा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए पेट्रोलियम, कोल, सीएनजी, ठीक है, ये सभी के सभी क्या है, एक सभी के सभी एक तरह से क्या है, सोर्स है। ठीक है, लेकिन हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी क्या है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी एक सोर्स है, एक मीडियम है, लेकिन ये एक प्रोसेस है। ठीक है, इसके थ्रू हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर पाते हैं। ठीक है, पेट्रोलियम और ये सब क्या है, एक ये फ्यूल है। ठीक है ना, नेक्स्ट में आते हैं दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन नंबर ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अबव द अबाव इज अ कंपोनेंट ऑफ बायोगैस। बायोगैस आप जानते होंगे कि जो गोबर के द्वारा हम गैस बनाते हैं उसे बायोगैस बोला जाता है। ठीक है, तो बायोगैस में सबसे ज्यादा, सबसे मेन कंपोनेंट जो होता है वो आपको पता होगा मीथेन होता है। उसके बाद सबसे मेन कंपोनेंट होता है वो है हाइड्रोजन सल्फाइड होता है। ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड क्या होता है, मीथेन के पास सबसे मेन कंपोनेंट होता है अगर आपसे कोई पूछे, क्योंकि कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं मतलब कि फर्स्ट छोड़ के, जैसे बोलते हैं ना कि मतलब दौड़ में सबसे प्रथम नंबर पे किसकी रैंकिंग आती है, कौन सबसे ज्यादा तेज दौड़ता है, तो जरूरी नहीं है कि हर बार शॉर्ट, जैसे शॉर्ट रेस की बात करें तो उसन बोल्ट हैं जो सबसे कम समय पे सबसे ज्यादा दौड़ते हैं। ठीक है, अगर कोई सेकंड का नाम पूछे तो कोई सेकंड नहीं पता होता लोगों को, लेकिन सामान्यता आजकल ऐसे टाइप के क्वेश्चन भी आने लग गए। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 7 ये है कि आपको देखना पड़ेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूसेस द एनर्जी बिकॉज ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस। मतलब कि जो आपका टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से, ठीक है, ताप के डिफरेंस की वजह से कौन सी एनर्जी प्रोड्यूस होती है जो कि समुद्र में प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो वो होती है वेव एनर्जी। अब देख पा रहे होंगे आप, मैं आपको वेव बना के दिखाता हूँ, जैसे कि ये वेव है। ठीक है, यहाँ का टेम्परेचर कुछ और है और यहाँ का टेम्परेचर कुछ और है, इन दोनों के टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी उसी एनर्जी को बोलते हैं क्या, वेव एनर्जी। ठीक है, दो वेव के वजह से जो प्रोड्यूस हो उसको बोलते हैं वेव एनर्जी। ठीक है दोस्तों, तो इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा और मैं उम्मीद है कि आपको अगर ये चैनल मतलब ये चीज़ें समझ में आ रही होगी तो आप हमारे चैनल को फॉलो करेंगे,
चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा, और हमारे प्लेलिस्ट में और भी वीडियोस पड़ी हुई हैं तो कृपया कर आप उसे भी देखिए। विच एनर्जी सोर्स इज द लार्जेस्ट सोर्स इन इंडिया? आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, कोल है वो सबसे ज़्यादा यूज भी होता है और सबसे बड़ा सोर्स भी है। ठीक है, आपको पता ही होगा कि छत्तीसगढ़ में बिलासपुर SACL जो है वो टॉप में चल रहा है कोल प्रोडक्शन पे। ठीक है दोस्तों, ठीक है अब यहाँ पे देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉर्मली यूज्ड इन सोलर कुकर फॉर ट्रैपिंग द सोलर एनर्जी? अब सोलर एनर्जी को ट्रैप करने के लिए, मतलब कि बंद करने के लिए या फिर यूज करने के लिए क्या क्या कंपोनेंट का यूज किया जाता है? ठीक है, तो सोलर पैनल का यूज किया जाता है ताकि सोलर पैनल के थ्रू वो एनर्जी क्या कर सके, अब्जॉर्व कर सके। ठीक है, फिर उसके बाद सोलर सेल का यूज किया जाता है। इससे क्या होता है, जैसे ही लाइट रे पड़ती है उस प्लेट के ऊपर, तो वो उनका क्या होता है, उनके उनके बीच में एक क्या होता है, कोलिजन स्टार्ट हो जाता है। उस कोलिजन के थ्रू क्या होता है, वो एनर्जी अब्जॉर्प्शन की प्रोसेस करते हैं। ठीक है, मिरर के थ्रू क्या होता है, एक जगह पे हम एनर्जी को फोकस करते हैं ताकि हमारे जो बीच का जो खाना होता है वो अच्छे तरीके से पक पाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये एक प्रोसेस है और इसी प्रोसेस के थ्रू हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग द काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी? ठीक है दोस्तों, अब मैं बताता हूँ आपको कि काइनेटिक एनर्जी के जरिए हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो जैसे आप देख पा रहे होंगे, ये एक वेव है। ठीक है, वेव इसकी कुछ वेलोसिटी होगी, कुछ वेग होगा। ठीक है, वे वी होगी। ठीक है, और ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट होता है, तो ये विंड एनर्जी के थ्रू। देखिए, जैसे ये हवा के बहने का तरीका है। ठीक है, इसकी एनर्जी है कुछ वी। ठीक है, कुछ वेलोसिटी है वी, तो काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में वेव एनर्जी के थ्रू, जैसे कि आप पवन चक्की वगैरह देखे होंगे समुद्र के किनारे जो होती हैं उसके थ्रू। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या दिया हुआ है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी? अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी का सोर्स किसे माना गया है? तो ये माना गया है आपका सोलर, सोलर एनर्जी को। ठीक है, सोलर एनर्जी इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इन ऑर्डर टू मेक द एफिशिएंट सोलर कुकर द कवर ऑफ द कुकर बॉक्स शुड बी मेड अप ऑफ? किसकी द्वारा, किसका कवर जो बनाया जाता है कुकर बॉक्स का, वो बनाया जाता है। ठीक है, सोलर कुकर का। ठीक है, सोलर कुकर, नॉर्मल कुकर वाला नहीं, सोलर कुकर का। तो क्या ट्रांसपेरेंट ग्लास का बनाया जाता है ताकि जो हीट एनर्जी है वो प्रॉपरली पास हो पाए एक ग्लास से दूसरे ग्लास में। ठीक है दोस्तों, तो ये याद रखिएगा, ये सब महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ऐसे ही क्वेश्चन मैं आपके लिए जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं वैसे ही क्वेश्चन मैं आपके लिए लाता रहूंगा। ठीक है दोस्तों, डेली एक एक सीरीज में लाने की कोशिश करूंगा। ठीक है दोस्तों, तो आप उसके लिए निस्फिक्र रहिएगा, मैं आपके लिए लेकर आऊंगा। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट में देखते हैं कि द राइज ऑफ सी वाटर ड्यूरिंग द हाई टाइड इज कॉज्ड बाय द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ। ठीक है, अब ये देख लेते हैं कि जो हाई टाइड्स होते हैं, हाई टाइड्स मतलब कि जो वेव्स चलते हैं समुद्र किनारे, अगर आप कभी गए होंगे तो देखिए ऐसे टाइप के कुछ वेव्स चलते हैं। ठीक है, ऐसे, ठीक, ऐसे कुछ वेव्स चलते हैं। ठीक है, तो उनकी जो वो जो ऊपर उठते हैं, ठीक है, बड़े लंबे गहरे वेव्स चलते हैं, जैसे कि कभी कभी ये बड़े बड़े चलते हैं, कभी छोटे चल रहे हैं, जैसे ये छोटा है ये बड़ा है, तो ऐसे क्यों होता है? तो ये होता है मून की वजह से। ठीक है, मून का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है और हमारा जो पृथ्वी का ग्रेविटेशनल फोर्स है उसमें कुछ इफेक्ट होता है, उसकी वजह से ये होता है। आप इसको ध्यान रखेंगे तो आपको ये याद रहेगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन हाउ मेनी जूल्स आर देयर इन वन ईवी? ठीक है, वन ईवी मतलब वन इलेक्ट्रिक वोल्ट, तो इसमें कितना होता है, तो 1.6 × 10⁻¹⁹, इसे चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कहा जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी कहा जाता है इसे। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। तो ये क्या होता है, द डायग्राम शोज द सिंपली कैलोरीमीटर सिस्टम टू मेजरिंग द गिवन हीट गिवन बाय द लिक्विड फ्यूल। मतलब एक लिक्विड फ्यूल के द्वारा कितनी हीट गिवन, जैसे पेट्रोल कितना हीट देता है, हम क्या कितना बर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंटल डेटा दिया गया है ABC का, तो उसके थ्रू हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, बीच में हम थर्मोमीटर को डालेंगे, थर्मोमीटर से हम क्या कर पाएंगे कि इसका टेम्परेचर मेजर कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब टेम्परेचर मेजर कर पाएंगे, उसके बाद ड्रॉट शीट लगी हुई है आजू बाजू ताकि ये बाहर कभी भी डेसिपेट मत हो। ठीक है, हीट, ठीक है, इंसुलेटिंग कार्ड लगा हुआ है, फिर उसके बाद क्लैपिंग कॉपर कैलोरीमीटर लगा हुआ है ताकि हम नाप पाए, क्योंकि कैलोरीफिक वैल्यू के थ्रू ही हम बता पाएंगे कि कौन सा, जिसकी सबसे ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू होती है वो क्या होता है बताइए, जिसकी सबसे ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू होगी वो ही वो कम अच्छे से जल पाएगा, और जिसकी सबसे कम कैलोरीफिक वैल्यू होगी वो ही सबसे ज्यादा अच्छे से जल पाएगा और वो हमको सबसे ज्यादा अच्छे से क्या बोलते हैं, आउटपुट दे पाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये सब देखिए, 80 ग्राम दिया हुआ है, तो 12 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो क्या जो 80 ग्राम है वो 12 डिग्री सेल्सियस दे रहा है? ठीक है, तो 12 डिग्री सेल्सियस जो जैसे वो सबसे ज्यादा कम ग्राम पे सबसे ज्यादा टेम्परेचर देगा, हम उसी को कंसिडर करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, हम मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।